नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQ Z9X 5G वर्सेस Samsung Galaxy M15 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9X 5G में 6.52 इंच जबकि M15 5G में 6.3 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Z9X 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z9X 5G में 2.99 इंच जबकि M15 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Z9X 5G में 0.31 इंच जबकि M15 5G में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Z9X 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9X 5G में 199 ग्राम जबकि M15 5G में 217 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Z9X 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Z9X 5G में LCD जबकि M15 5G में सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Z9X 5G में 20:9 जबकि M15 5G में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9X 5G में 6.72 इंचेस जबकि M15 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Z9X 5G में 1080x2408px FHD+ और M15 5G में 1080x2340px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9X 5G में 86.58% जबकि M15 5G में 84.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9X 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच जबकि M15 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9X 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और M15 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z9X 5G में Adreno 710 जबकि M15 5G में Mali G57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9X 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 और M15 5G में MediaTek Dimensity 6100+ मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 6000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z9X 5G में 2 कलर्स जबकि M15 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9X 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं।
जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,290 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M15 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,682 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो IQOO Z9X 5G में 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करते हैं Samsung Galaxy M15 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में M15 5G आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में Z9X 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G04 4G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।